वेलकम बैक दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किसी की नाभि अंदर होती है किसी की नाभि बटन की तरह बाहर निकल जाती है किसी की नाभि नॉर्मल रहती है किसी की नाभि पे लाइन बन जाती है तिरछी लाइन बन जाती है किसी की नाभि पे सीधी लाइन बन जाती है और किसी की नाभि की लाइन एकदम डार्क कलर की ब्लैक हो जाती है और नाभि भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाती है काफ़ी चीज़ में ही सुनती हूँ और वीडियोज़ भी काफ़ी यूट्यूब पर वायरल हो गई हैं कि ना भी लाइन से जाने गर्भ में बेटा है या बेटी बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं भी इस वीडियो में वही आपको बताऊंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था मेरा नाभि बटन कैसा था या नाभि लाइन कैसी थी कहते हैं कि नाभि लाइन तिरछी होती है तो बेटी होती है अगर नाभि लाइन डार्क कलर की और सीधी होती है तो बेटा होता है मैं इस पर भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे तो वीडियो में बने रहिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउसवाइफ में कहिए कैसे हैं आप आई होप आप सब अच्छे होंगे सबसे पहले कमेंट में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर और मेरे ऊपर बरसती रहे और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बात करते हैं आज के बार आज के टॉपिक के बारे में तो नाभि लाइन प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हारमोनल डिस्पैलेंस के कारण किसी की नाभि की लाइन डार्क कलर की हो जाती है किसी की नाभि की लाइन लाइट कलर की हो जाती है और किसी की नाभि पे बहुत गंदा सा मैल सा जम जाता है लेकिन वो साफ़ नहीं होता उसको कितना भी मतलब उसकी केयर करें बट वो साफ़ नहीं होता ये ये सिर्फ़ हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है और किसी की नाभि अंदर निकल जाती है अंदर की ओर चली जाती है और किसी की नाभि बाहर आ जाती है तो देखिए जैसे ही जैसे आपका हमेशा से नाभि का पॉइंट रहता आया है जैसे किसी किसी की नाभि का पॉइंट अंदर को रहता है तो प्रेगनेंसी में भी उसका नाभि अंदर ही रहेगी और किसी किसी का नाभि का बटन जो होता है वो ठीक ठाक होता है मतलब बाहर उभरा हुआ होता है हल्का सा तो उसको प्रेगनेंसी में नाभि का बटन बाहर ज़्यादा से निकल जाता है जैसे हमने कपड़े पहने हुए होते हैं तो उसमें से भी बटन दिखता है नाभि बटन इस पर जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा जो नाभि बटन है वो ठीक ठाक है ना ज़्यादा अंदर को था ना ज़्यादा बाहर निकला हुआ था तो प्रेगनेंसी में भी वो ठीक ठाक ही था लेकिन जब जैसे जैसे पेट बढ़ने लगता है तो हल्का सा नाभि बटन बाहर की तरफ निकल जाता है इसमें मैंने कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस देखा नहीं ज़्यादा कोई अनुभव नहीं किया कि बेटी है बेटी है प्रेगनेंसी में तो वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है तो बेटा पैदा हुआ है इस चीज़ पे मैंने इतना फोकस नहीं किया ये चीज़ स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे आपका पेट बढ़ेगा तो नाभि बटन बाहर को निकलेगा ही निकलेगा अब बात करते हैं नाभि लाइन के बारे में कि नाभि लाइन तिरछी होती है तो बेटी होती है नाभि लाइन सीधी होती है तो बेटा पैदा होता है यह सिर्फ़ और सिर्फ एक हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है इससे इसका कोई संबंध नहीं होता जैसे प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं उन्हीं की वजह से ये लाइन बन जाती है डार्क हो जाती है या लाइट कलर की हो जाती है और जिसकी नाभि लाइन पहले से अगर सीधी होती है तो वो प्रेगनेंसी में भी सीधी होती है और जिसकी पहले से तिरछी होती है नाभि लाइन तो प्रेगनेंसी में भी उसकी नाभि लाइन तिरछी ही होती है इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे जब बेटा होने वाला था तो मेरी नाभि लाइन ऊपर से तिरछी थी तो जब मैं ये वीडियो देखती थी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मुझे बेटी होगी कि तिरछी लाइन है बट मुझे बेटा पैदा हुआ ये इसलिए इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए ये अनुभव कभी गलत भी हो जाते हैं मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपको लगता है कि ये किसी और के काम है तो इसको शेयर करें Thank you. Thanks for watching.